बीएनएम आयोजित 16th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में 120 से भी ज्यादा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी प्रदर्शित की। ये 4 दिवसीय प्रॉपर्टी एग्जीबिशन काफी सफल रहा, जिसे 1.5 लाख से भी अधिक लोगों ने विजिट किया। सोमवार को इस एग्जीबिशन का समारोह नवी मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त दिनेश वाघमारे और पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन सहित अन्य मान्यवरों की खास उपस्थिति में हुआ। बीएनएम के ट्रस्टी भूपेंद्र शाह ने एग्जीबिशन की सफलता पर खुशी जताई और उसे सफल बनाने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। पब्लिक का डिमांड आप एक दिन और एक्सटेंड करो, लेकिन जो हमारा कार्यक्रम तय है उसके अंदर हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और ये टाइम मंदी के माहौल में जो हमको इतना रिस्पॉन्स मिला है, अनबिलीवेबल है। बॉम्बे में जो एग्जीबिशन होता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वो लोग सब बॉम्बे में आके हमको बोलते हैं कि ये क्या है, ये पब्लिक कहाँ से आती है। तो शायद नवी मुंबई तरफ का ये एट्रैक्शन है कि आदमी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अभी दाम थोड़े ज़्यादा है, अभी नया चालू हो जाएगा तो उसके अंदर जो अफोर्डेबल और ये जो सबसे बड़ी सेगमेंट खुल जाएगी, तो जो पब्लिक यहाँ से निराश होकर जा रही है उनको जाना नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का हिस्सा बने सभी बिल्डर्स, डेवलपर्स और बीएनएम मेंबर्स ने एग्जीबिशन में लोगों से मिले रिस्पॉन्स को देख खुशी जताई और इसे सफल करार दिया। चारों दिन अच्छे गए, जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत जो सोची थी उससे ज़्यादा पब्लिक आई। और चारों दिन का रिव्यू हर एक स्टॉल वाले से लिया, हर एक बिल्डर, हर एक स्टॉल होल्डर, सबके मुंह पे खुशी दिखाई दे रही है। और जो पब्लिक आके गई उसमें से भी कहीं रिवर्ट बैक मिल रहा है कि उन लोग जो सोच के आए थे उनको भी काफ़ी कुछ अच्छा जानने और मिला। एकदम बहुत अच्छा मतलब इवेंट हो गया इधर का, और यहाँ पे जितने लोग मतलब आए और जो पार्टिसिपेशन है उनके सबके मुंह पे एकदम लाली है, सब लोग खुश हैं। और कम से कम ये 4 दिन में 1.5 लाख तक आदमी लोग यहाँ पे विजिट लिया। क्लोजिंग सेरेमनी में डेवलपर्स एंड बिल्डर्स को इसके द्वारा लगाए स्टॉल्स एंड प्रोजेक्ट में से बेस्ट का चुनाव कर उन्हें सम्मानित किया गया, जब बीएनएम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष भतीजा को बेस्ट स्टॉल अवार्ड से नवाजा गया। मेरा लव ये है कि कस्टमर्स के इस तरीके की सपोर्ट की वजह से ही इस बार का भी पवेलियन हमने कुछ अलग थीम इंटरनेशनल लेवल की थीम पे बनाया है। रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग का पार्लियामेंट का एक लुक दिया है आउटसाइड फसाद का। एंड द रीज़न यही है कि जो यहाँ पर विजिटर है उन्हें उम्मीद रहती है कि पैराडाइज में कुछ नया देखने को मिलेगा, न सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन भी। और उसी वजह से हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर मनपा आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बीएनएम आयोजित इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में लोगों को नवी मुंबई में प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए प्रेरित किया है, ये कह के इसकी सराहना की। एक्चुअली ये नवी मुंबई की तरफ जो है लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इसका ये मतलब है। और नवी मुंबई में जैसे सिडकू ने 6 स्मार्ट सिटी डेवलप करने का डिसीजन लिया है, और उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से भी 1 स्मार्ट सिटी यहाँ पे डेवलप होने जा रही है। हमारे सिटी को क्लीन सिटी रैंकिंग में 3rd नंबर मिला है। और ये बड़े बड़े यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, नैना का प्रोजेक्ट है, इसके कारण बड़े पैमाने से जो कस्टमर्स है लोग यहाँ पे नवी मुंबई में सेटल होने के लिए आ रहे हैं। और ये नवी मुंबई में अच्छा वाटर सप्लाई है, यहाँ पे वेस्ट वाटर कलेक्शन अच्छा है, यहाँ पे कचरा जो है कचरा कलेक्शन की सिस्टम अच्छी है, और यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स है, प्लेग्राउंड है, इसलिए डेफिनेटली लोग नवी मुंबई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वही सांसद राजन विचारे ने सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स को एग्जीबिशन की सफलता पर बधाई दी। मेरे ख्याल से हर शहर में ऐसे एग्जीबिशन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ ये 16वां साल है, 16 साल से यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है। और मेरे को एक आनंद हो रहा है कि यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर ये करने के लिए एग्जीबिशन सेंटर भी सिडको के माध्यम से यहाँ पे बना गया है। क्रेडाई बीएनएम आयोजित 16th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स सहित नागरिकों के लिए खुशियां लाया, जब ग्राहकों को अपने सपने का घर मिला तो कईयों ने इन्वेस्टमेंट परचेस प्रॉपर्टी बुक कराई। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन खरात के साथ रुचि कौर की रिपोर्ट।